दोस्तों, हाल ही में झारखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की बात कही है। अब बहुत सारे लोग इस बात को सोच रहे होंगे, जो लोग स्पेशली झारखंड में रहते हैं, कि आखिर 1932 का खतियान लागू हो जाने से किसको बेनिफिट होगा, किसको लॉस होगा, किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा और किसको सबसे ज्यादा नुकसान। बड़े ही लंबे समय के बाद हेमंत सोरेन ने यह ऐलान कर दिया कि अब झारखंड में होगा 1932 का खतियान। झारखंडियों की आन बान शान ले आए हम 1932 का खतियान, लेकिन आधे लोगों के माइंड में ये दौड़ रहा है 1932 का खतियान क्या है। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी OBC है 27% का आरक्षण, आदिवासियों को 28% का आरक्षण। उसके बाद हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि अब झारखंडियों को किसी अदर स्टेट, मुंबई, दिल्ली वगैरह नहीं जाना पड़ेगा नौकरी के लिए, हम यहीं पे उन्हें नौकरी देंगे। लेकिन एक्चुअल में इसकी शुरुआत हो गई थी 1905 में, जब बंगाल का पार्टीशन किया गया था। टाइम था 16 अक्टूबर 1905, जब बंगाल से बहुत सारे हिंदू लोग को जब बंगाल छोड़कर जाने को बोला गया, उसकी मेन वजह थी वहाँ के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि इतनी बड़ी स्टेट हमसे संभली नहीं जा रही, इसलिए हम बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं। जो ईस्ट बंगाल और असम है, इसको हम लोग एक पार्ट में रखते हैं और वेस्ट बंगाल को हम लोग एक साइड छोड़ देते हैं, जिसमें बिहार, उड़ीसा, अब यहाँ पे देख सकते हैं रांची, झारखंड भी उसी में शामिल था। लेकिन बाद में भी ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं, इसका भी पार्टीशन हो गया। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी और वायसराय का स्थान होता था ईस्टर्न बंगाल में, और वेस्टर्न बंगाल के जितने लोग थे ये हमेशा हल्ला करते रहते थे कि उन तक कोई चीज़ पहुंच नहीं पाती, कोई भी योजना पहुंच नहीं पाती। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने कर दिया बंगाल का विभाजन। वंदे मातरम, अमार सोलाम बंगला, ये एंथम बन गया उस समय इस प्रोटेस्ट का। और जो पहले बंगाल थी, फ्रांस जितनी बड़ी एरिया थी, लेकिन बाद में फिर हुआ क्या, लेटर 25 अगस्त 1911 को जब एक सरकार ने रिकमेंडेड किया कि बिहार को भी एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, और ये कंफर्म कर दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी 1886 से 1905 तक था, फिर बंगाल प्रेसिडेंसी 1905 से 1912 तक अलग हो गई, फिर बिहार और उड़ीसा को 1912 से 35 तक अलग किया गया। फाइनली 1936 में बिहार भी अलग हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी से और एक स्टेट बन गया। और मेनली बिहार में दो राज्य शामिल थे, एक बिहार, एक झारखंड की, झारखंड उस समय भी था। सन 1912 में जब संत कोलंबस का एक छात्र, जिन्होंने डिमांड कर दी सरकार से कि हमें एक झारखंड, एक अलग स्टेट चाहिए जो कि जनजातीय स्टेट होगा, उस समय जयपाल सिंह एक आदिवासी सोल लीडर थे, उन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। सन 1927 में आई साइमन कमीशन, जिसमें 7 लोग थे, कोई भी देसी पर्सन नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने आए थे। इन्होंने बोला जाकर कि हमारा झारखंड भी अलग स्टेट है, इसको भी रिफॉर्म किया जाए, इसको भी बनाया जाए। तब वहाँ पर सर्वे स्टार्ट हो गया, जितने भी जो झारखंड की ज़मीनें थी, जंगल बेसिस थी, इनका सर्वे कर लिया गया। सर्वे करके जो आदिवासी थे उनके नाम से सर्वे कम्प्लीट कर दिया गया, तब बनकर आया खतियान। और ये होता है खतियान, और उसी समय बन गया 1932 का खतियान। लेकिन खतियान बना कैसे, तो उसका किया गया था सर्वे। अब जब सर्वे होता है तभी खतियान बनती है, लेकिन सर्वे 1932 में कुछ ही जगह पे कंप्लीट हुई थी। 32 के सर्वे के बाद बहुत से ऐसे झारखंड के जिले थे, जैसे धनबाद की अगर बात करते हैं, धनबाद को 1956 में चंदन क्यारी और चास से काटकर बनाया गया, 1991 में बोकारो डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया, और यहाँ पे सर्वे 1964 में कंप्लीट हुआ, लेकिन तब तक बोकारो एक इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका था। वहाँ पे सेल के आने से बहुत सारे बिहारी, बंगाली यहाँ पे काम करने आए और यहीं पे बसते चले गए। अब बसे हुए लोगों के नाम से सर्वे हो गई, उनके नाम से खतियाने बन गई। अब सरकार ने कट ऑफ डेट रख दिया कि वैसे OBC जो 1978 के पहले से रह रहे हैं, या तो ऐसे ST SC जो 1950 के पहले से यहाँ रह रहे हैं, हम उन्हें यहाँ पे नौकरी देंगे रिजर्वेशन के कैटेगरी से। अब इस कट ऑफ में सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन जैसे आप 1932 की बात करेंगे, फैक्ट्रियां नहीं थी, लोग बाहर से नहीं आए हुए थे, सिर्फ झारखंड ही थे। तो और से देखा जाए तो इन डिस्ट्रिक्ट को नुकसान ही है। हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट जरूर आता है कि आखिर लोग अगर सिटी में रहना चाहते हैं तो वहाँ क्यों रहना चाहते हैं, उसके पीछे वजह क्या है। तो वहीं अगर हम लोग जमशेदपुर की बात करते हैं, तो जब जमशेदजी टाटा ने 1887 में कंपनी इस्टेब्लिश की थी, उसमें पूरी ज़मीनें टाटा की थी, जो लोग वहाँ पे काम करते चले गए, सारी ज़मीनें जो है वह टाटा से लीज पर लेते चले गए, वहाँ भी कंपनियाँ आती गई। अब 1932 के पहले की अगर बात करेंगे तो सारी ज़मीनें तो टाटा, तो यहाँ से 50% ऐसे लोग होंगे जो कि इस रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यह भी एक इंडस्ट्रियल एरिया था, यहाँ पे लोग दूर दूर से आकर बसते चले गए रोजी रोटी कमाने के लिए। इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यह क्षेत्र डेवलप हुआ, सर्वे कंप्लीट हुआ बाद में।
ने यह बात अनाउंस किया कि ये 1932 का खाद्यान्न अब हम झारखंड में लागू करने जा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने एक बात ऐड कर दी थी कि अब हुए आंदोलनकारी की जीत। तो आंदोलनकारी आखिर क्या थे, किस बात की आंदोलन कर रहे थे, तो सबसे मेन वजह। तो इंतजार कीजिए इस वीडियो का पार्ट टू, जिसमें से मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड बनाने के लिए कौन कौन से आंदोलनकारी आए थे सामने, जिनकी वजह से बना था झारखंड।